हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स के क्लासिफिकेशन की। जो ग्रॉसमैन क्लासिफिकेशन है उसके बारे में, अलग अलग क्लासिफिकेशन से हम बात करेंगे ग्रॉसमैन क्लासिफिकेशन की। बहुत इजी क्लासिफिकेशन है। और जो एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें लगती हैं, कन्फ्यूजन होता है, तो अगर क्लासिफिकेशन हमारे माइंड में होता है तो ये क्लियर हो जाता है। तो चलिए इसको हम देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, बहुत छोटा वीडियो होगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। तो आज हम समझ रहे हैं ग्रॉसमैन्स क्लासिफिकेशन एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स का। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग दिया गया है, जो जो फंक्शन हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट में करते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन हम देखेंगे और यहाँ पर क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं वो बताए गए हैं। तो सबसे पहले है एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्मूथ ब्रोचेस और एंडोडोंटिक एक्सप्लोरर्स। ब्रोचेस अलग अलग टाइप के आते हैं, स्मूथ और बार्ड और भी नीचे आएंगे हम अभी देखते हैं। तो ये हम यूज़ करते हैं एक्सप्लोरिंग में, मतलब कि जो रूट कैनाल्स ओपनिंग होती है उनको लोकेट करने के लिए, रूट कैनाल ओरिफाइसेस को लोकेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद सेकेंड में हम आ जाते हैं, सेकेंड है डिब्राइडिंग। जो फंक्शन है वो है डिब्राइडिंग। तो डिब्राइडिंग के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं, इसके लिए हम बार्ब ब्रोचेस यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा स्मूथ ब्रोचेस, यहाँ पर हम बार्ब ब्रोचेस यूज़ करते हैं। ये हम करते हैं जो रूट कैनाल का पल्प है, जो पल्प को एक्सपायरेट करने के लिए, पल्प को निकालने के लिए, और अगर और कोई फॉरेन मटेरियल है रूट कैनाल में तो उसको निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं बार्ब ब्रोचेस का। ये सिंपल ब्रोचेस से अलग होते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट है इनमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पल्प को निकालने के लिए, या जो फॉरेन बॉडी है पल्प के अलावा जो फॉरेन मटेरियल है उसको निकालने के लिए यूज़ होता है। अब हम आ जाते हैं थर्ड में, क्लीनिंग एंड शेपिंग के लिए। जो रूट कैनाल की क्लीनिंग शेपिंग में हम यूज़ करते हैं, पहले हमने कैनाल ओरिफाइसेस को लोकेट कर लिया, उसके बाद जो पल्प है फॉरेन बॉडी है उसको हमने निकाल दिया, उसके बाद हम करते हैं क्लीनिंग एंड शेपिंग। जो रूट कैनाल है उसको क्लीन करते हैं हम, शेप करते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रीमर्स एंड फाइल्स। ये हम ग्रॉसमैन क्लासिफिकेशन में समझ रहे हैं, और भी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। तो इसमें बताया गया रीमर्स एंड फाइल्स। फाइल्स में के फाइल्स हैं, एच फाइल्स हैं। इनके वीडियोस आपको रीमर्स के फाइल के, एच फाइल के और प्रोटेपर्स के, ये सारे वीडियोस आपको चैनल के वीडियो लिस्ट में मिल जाएंगे, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट है, जब क्लीनिंग शेपिंग हो जाती है तो आरसीटी में हम लास्ट करते हैं ऑब्चुरेशन। तो ऑब्चुरेटिंग जो फंक्शन है, इसके अंदर ऑब्चुरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं प्लगर्स, स्प्रेडर्स और लेंटिलो स्पाइरल्स। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम रूट कैनाल को फिल करने के लिए यूज़ करते हैं। रूट कैनाल जब क्लीन हो जाती है, जब उसको हम शेपिंग कर देते हैं, तो ऑब्चुरेशन के लिए जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं, जिन इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज़ करते हैं मटेरियल को प्लेस करने के लिए, वो ये हैं प्लगर्स, स्प्रेडर्स, लेंटिलो स्पाइरल्स। तो बहुत इजी क्लासिफिकेशन है, फंक्शन के अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हैं। एक्सप्लोरिंग, डिब्राइडिंग, क्लीनिंग एंड शेपिंग एंड ऑब्चुरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और किन टॉपिक पर आपको वीडियो देखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।